हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैडम राइड्स द बस के बारे में। ये कहानी है 8 साल की लड़की की, जिसका नाम वल्ली मई होता है। उसे प्यार से सर वल्ली कहते हैं। वह एक गांव में बस स्टॉप के पास रहती थी। वह अपने घर के दरवाजे के पास खड़े होकर अक्सर बस स्टॉप पर बसों को आते जाते देखा करती थी। दरअसल उसकी भी बहुत इच्छा होती है कि वह बस में सफ़र करे। उसके पास जो बस स्टॉप था, वहाँ से 6 मील दूर शहर और शहर से गांव की यात्रा करना चाहती थी वह। इसके लिए उसने पैसे बचाकर इकट्ठा किए थे। उसने ये पैसे बड़ी मुश्किल से बचाए थे, क्योंकि इन पैसों को बचाने के चक्कर में वह ना तो मेला घूम पाई थी और ना ही उसने खिलौने खरीद पाई थी ताकि वह पैसे बचा सके। बस का टिकट एक तरफ से 30 पैसे का था और उसने ये पैसे बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे। उसने बस के और यात्रा के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली थी। उसने आने और जाने के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए थे। एक तरफ से जो टिकट के पैसे थे वो 30 पैसे थे। वह दोपहर में यात्रा करने की सोचती है। अक्सर दोपहर के समय उसकी माँ सो जाया करती थी। जब एक दिन दोपहर में उसकी माँ सो रही थी, तब वल्ली यात्रा के लिए जाने का सोचती है। वल्ली बस के इंतज़ार में खड़ी हो जाती है। जल्द ही बस आ जाती है और बस आने के बाद वह कंडक्टर से कहती है कि वह शहर जाना चाहती है। तब कंडक्टर उसे बस में सीट दे देता है। बस बिल्कुल नई होती है और आरामदायक भी। अपनी यात्रा के दौरान वह पहाड़, हरे भरे खेत और घास के मैदान देखकर आनंदित हो जाती है। वह यह सब अनुभव पहली बार कर रही होती है। यह सब उसे बड़ा लुभावना लगता है और एक सपने जैसा सच होना लगता है। पर वो देखती है कि एक गाय उनकी बस से टकराने से बच जाती है। उसे यह सब देखकर बहुत अलग सा लगता है। यह उसके लिए काफ़ी चेंज था। वह बस के सफ़र में ज़्यादातर बाहर की ओर ही देख रही थी। कुछ देर बाद वह कस्बे में, यानी कि शहर में पहुंच जाती है और कंडक्टर उसे उतरने के लिए कहता है। वह मना करते हुए वापसी का टिकट लेती है। कंडक्टर उससे पूछता भी है कि यहाँ घूम लो, पर वह मना कर देती। कंडक्टर के काफ़ी आग्रह करने के बाद भी वह खाना पीना या घूमने से मना कर देती है। वह कंडक्टर को बताती है कि वह केवल बस की यात्रा के लिए आई है, ना कि बस से बाहर घूमने के लिए। बस वापस गांव की ओर चल देती है। रास्ते में वही गाय मरी पड़ी थी जो शहर जाते समय इनकी बस से टकराने से बच गई थी। यह गाय किसी वाहन की टक्कर से मर गई थी। वह यह सब देखकर बहुत दुखी होती है। कुछ देर बाद बस गांव के बस स्टॉप पर पहुंच जाती है और वल्ली अपने घर जाकर देखती है कि उसकी माँ एक पड़ोस वाली आंटी से बात कर रही है। वह उनसे थोड़ी बहुत बातें करके अंदर चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर यह कहानी कंप्लीट हो जाती है। आप लोग बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम जल्द ही ला रहे हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। थैंक यू सो मच।